माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पूरी, बट पूरी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, लहसुन, धनिया और साथ में हरी मिर्च, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पर स्वादानुसार नमक डाल देंगे और जीरा डाल देंगे थोड़ा सा, और साथ में हम यहाँ पे डाल रहे हैं धनिया के बीज, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ डाल के इसको आपने ग्राइंड कर लेना है एकदम फाइन पेस्ट की तरह। बिल्कुल भी बीच में कुछ भी हार्ड नहीं होना चाहिए, पूरा पेस्ट बन जाना चाहिए। अब हम बना लेंगे आटा अपना। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। अब हम डाल देंगे अपना ये ग्राइंड किया हुआ मटेरियल आटे के बीच में। आप यहाँ पे लहसुन ज़्यादा डालेंगे तो और भी ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो अब हम लगाएंगे आटा। तो हमें यहाँ पे आटा गूंथना है। पहले आपने इसी मटेरियल के साथ अपने आटे को गूंथना है, पानी नहीं डालना है। इन केस अगर आपको लास्ट में ज़रूरत पड़ती है पानी डालने की, तब आप यहाँ पे पानी डालिए। अगर आपके पास इसमें ही पानी काफ़ी ज़्यादा होता है तो इसके साथ भी आटा लग सकता है। तो ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल के आप एक सॉफ्ट सा डो यहाँ पे अच्छे से बना के रेडी कर लें। तो आटे को आपने यहाँ पे नीड बहुत अच्छे से करना है। अगर आपका आटा अच्छे से गूथा नहीं होगा तो पूरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो पूरी का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आपको आटे को बहुत अच्छे से गूथना है। उसके लिए आपको जितना भी टाइम लगे आप यहाँ पर टाइम लीजिए, लेकिन आटे को एकदम चिकना, बहुत ही सॉफ्ट गूथिए, ठीक है। तो आटा हमारा गूथ गया है अच्छे से। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल लेके पूरे आटे के ऊपर इसको अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसको रेस्ट करने रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, और रेस्ट करने के बाद हम इसकी बनाएंगे पूरियाँ। अब देखिए, हम यहाँ छोटे छोटे पीस लेते जाएंगे और इनको हमें रोल करना है, बिल्कुल ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, ठीक है। हमें यहाँ पे मीडियम इसको रोल करना है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आटा जो है सूखा अपने नीचे डाल लीजिए और उसके बाद इसको बेलिए, ठीक है। तो आपने इसको स्लोली स्लोली बेलना है ताकि ये कहीं से टूटे फटे ना साइडों से। तो आराम से इसको बेलिए और इसकी थिकनेस आपने ज़्यादा नहीं रखनी है। तो देखिए हमारी पूरी की थिकनेस कितनी है, ये देखिए साइड से, बिल्कुल पतली पतली है, बिल्कुल ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। बट बहुत ज़्यादा पतली भी करने की ज़रूरत नहीं है कि उसके चक्कर में आप इसको तोड़ ही दो। तो आपको ज़्यादा पतली करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट आप इसको थोड़ा सा हल्का सा मोटा रख सकते हैं। तो चलिए अभी हम जल्दी से सारी पूरियाँ बेल के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरियाँ बेल ली हैं। अब हम जा रहे हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने पहले तेल को यहाँ पे अच्छे से गरम करना है, उसके बाद आपने फ्लेम को यहाँ पे मीडियम से लो के बीच में रखना है और एक एक पूरी डालते जाना है और इसको अच्छे से पलट के निकालते जाना है। तो अगर आपकी पूरी ज़्यादा मोटी होगी तो वो पकने में ज़्यादा टाइम लेगी, अगर थोड़ा सा पतली होगी तो वो जल्दी से पक जाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि थोड़ी सी पूरी को पतला ही रखें, बहुत ज़्यादा पतला भी मत करें, कोई बात नहीं, बट पतला ही रखें। तो अब देखिए हम यहाँ पे पूरी को अच्छे से फ्राई करके निकालते जा रहे हैं। तो हमारी जो पूरियाँ यहाँ बन रही है ना, वो एकदम बहुत ही टेस्टी लग रही हैं, देखने में भी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगी। आप यहाँ पे इसको किसी भी चटनी के साथ, दही के साथ या फिर दाल वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, बट अगर आप इसको दही या फिर चटनी के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट आने वाला है। जो चाय के साथ भी खा सकते हैं, कुछ लोग तो चाय के साथ पूरी वगैरह बहुत पसंद करते हैं, तो आप वो भी खा सकते हैं, आलू की सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे ही इसको खा सकते हैं। तो हम जल्दी से सारी पूरियाँ निकाल के रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही क्विक रेसिपी है, आप आराम से बहुत जल्दी बना सकते हैं। बस आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पेस्ट आप बनाओगे वो पेस्ट एकदम फाइन पेस्ट होनी चाहिए। जो मतलब आप ग्राइंड कर रहे हो मटेरियल, उसको एकदम फाइन पेस्ट बनाना है, तभी आपकी पूरियाँ ऐसे फूली फूली बनेंगी। अगर उसमें मोटा मोटा कुछ प्याज या फिर लहसुन या फिर धनिया मोटा मोटा रह जाएगा तो इस तरह से पूरी फूलेगी नहीं, वो पूरी टूटती जाएगी बीच में से, ठीक है। तो आपने इस तरह से अच्छे से ध्यान रखना है और पूरा मटेरियल अच्छे से ग्राइंड करके अपनी पूरियाँ इस तरह से फूली फूली पूरियाँ बना के रेडी कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।
तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी पूरी पूरियाँ जो हैं वो बन के रेडी हैं। आप देख सकते हैं पूरी कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही क्रंची भी है। अगर आप इसको बाहर से स्क्रैच करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रंची है। और वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम इसको तोड़ के देख रहे हैं तो देखिए इसके अंदर से कितनी पतली है और कितनी अच्छे से हमारी पूरी बनी है। तो फिर से मिलते हैं नई और वीडियोज़ में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।